अस्सलाम वालेकुम। तो यार सबसे पहले जो बात होगी वो प्रूफ की बात होगी, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सारी गेम समझाऊंगा मैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि मेरी जो बैलेंस के अंदर कितनी ज़्यादा अर्निंग शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो यस्टरडे की इनकम है वो कितनी है। यहाँ पर गेन में यस्टरडे के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग चेक कीजिए कि 1644 इंप्रेशन है। और उसके बाद यहाँ पर जो CPM मुझे मिला तकरीबन $4 का, जहाँ पर मुझे CPM मिला है। और रेवेन्यू जो मुझे जहाँ पर से जो जनरेट हुआ वह 6.448 का रेवेन्यू जनरेट हुआ। ये बात थी यस्टरडे की। अगर आप लोग यहाँ पर मैं टूडे का दिखाऊं तो यहाँ पर से जो मैं मतलब ये आज का जो टाइम वगैरह वो आप लोग यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। और टाइम नौ यहाँ पर आपको क्लिक करके आप देखिए 6 अप्रैल है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर से मैं 5 अप्रैल, उसके बाद यहाँ पर जो फिनिश डेट है वो यहाँ पर से 6 अप्रैल है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ से भी मैं 6 अप्रैल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, 6 अप्रैल से 6 अप्रैल तक, ठीक है। उसके बाद अप्लाई के बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप लोग चेक कीजिए तकरीबन सिर्फ 297 इंप्रेशन है। उसके बाद $11 का यहाँ पर CPM है। उसके बाद 3.442 का यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर से जनरेट हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर जो CPM मुझे मिला है तकरीबन $11 का मिला हुआ है। और अगर यहाँ पर मैं कंट्री की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पर से इंप्रेशन है वो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट पर से आए हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो उसका जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो 3.44 का हुआ है। और ये वाली जो चीज़ है वो तकरीबन सुबह 6 बजे तक का ही है डाटा वगैरह, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो टारगेट किया वो यूनाइटेड स्टेट को ही टारगेट, मतलब जो प्रीमियम कंट्रीज है उनको हम लोगों ने यहाँ पर से टारगेट किया, ठीक है। आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि आज के दिन पाकिस्तान के अंदर 3 इंप्रेशन सिर्फ हुए हैं, वो यार एयरलाइन के अंदर 1 हुआ, और मेक्सिको के अंदर सिर्फ 74 हुए, और यूनाइटेड स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा हुए जो कि 201 है। और अभी यहाँ पर जो 6 बजे 7 बजे से के बाद अगेन यहाँ पर जो गेम है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट के अंदर दिन हो जाएगा और हमारी जो गेम है वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी ये सारा कुछ हम लोगों ने किया किस तरीके से, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर 2 वेबसाइट को यूज़ किया। एक तो site.google.com को हम लोगों ने यहाँ पर ओपन किया, और दूसरे नंबर के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर जो ओपन यूज़ किया यहाँ पर फेसबुक को किया। और फेसबुक के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर से एक पेज क्रिएट करना है कैश ऐप के नेम से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैं अभी आप लोगों के सामने यहाँ पर ये वाला जो पेज है बिल्कुल फ्रेश और न्यू पेज है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी पोस्ट वगैरह नहीं की हुई है, हद तक हम लोग यहाँ पर लोगो वगैरह भी नहीं लगाया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर से इसका जो लोगो वगैरह कैश ऐप का वो मैं यहाँ पर से ले लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इंटर पे बटन पर क्लिक कर देता हूँ, तो जो भी यहाँ पर से जो अच्छा सा यहाँ पर जो लोगो वगैरह वो मैं यहाँ पर से ले लेता हूँ, जैसे कि लाइक ये वाला लोगो, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर से सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको, क्योंकि आप लोग हर एक चीज़ जो प्रोफेशनल हमारी लगेगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर पीछे वाली जो इमेज है वो आप लोगों को मैं यहाँ पर दे दूंगा। यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर सर्च करेंगे कैश ऐप रिवार्ड तो आप लोगों को यहाँ पर से ये वाली जो पिक्चर है वो भी मिल जाएगी, ठीक है। ये वाली पिक्चर इसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर से इस बटन के ऊपर अपने क्लिक करना, और आप लोगों ने ये वाली जो पिक्चर है उसको अपलोड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस पिक्चर को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, तो जी यहाँ पर ये डन हो गया। उसके बाद सेव के बटन पे क्लिक कर देना, ठीक है। सेव के बटन पे क्लिक करने के बाद लास्ट के ऊपर जो आप लोगों ने नेक्स्ट जो काम करना है वो यहाँ पर ये कि आप लोगों ने एक site.google.com का पेज क्रिएट करना, ठीक है। याद रखिएगा एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बताते चलूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर यह है कि ये वाली जो एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया, ये साथ के साथ एक्सटेंशन आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं बी होनेस्ट बताऊँ कि मैंने यहाँ पर से जितनी भी अर्निंग की है उसके अंदर इन एक्सटेंशन को यूज़ नहीं किया हुआ, मैंने जो सारा काम वो मैन्युअली किया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर ग्रुप्स को फाइंड करना, ग्रुप्स के अंदर शेयरिंग करना, ये सारा कुछ आप लोग इन एक्सटेंशन की मदद से कर सकते हो। ये सारी की सारी जो एक्सटेंशन है वो आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां पर से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। ये वाला एक्सटेंशन क्या क्या काम करती है वो आप लोग यहाँ पर दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑटो पोस्ट ग्रुप्स, जिसके अंदर आप लोग ग्रुप्स के अंदर ऑटो पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑटो पोस्ट मल्टीपल फेसबुक ग्रुप, ये भी सेम काम करती है। इसी तरीके से फेसबुक बल्क ग्रुप सर्च की हुआ, ठीक है। इसके अंदर क्या कुछ होगा कि आप लोग कीवर्ड की मदद से ग्रुप्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कैश ऐप के ग्रुप आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कैश ऐप लिखोगे तो आप लोग ग्रुप्स मिल जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। उनको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ वन है यहाँ पर फेसबुक ग्रुप रेडी टू पोस्ट चेक कर, ठीक है, ये वाली है। और उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर से शेयर मल्टीपल ग्रुप्स, ये भी वही काम करती है। इसी तरीके से यहाँ पर ये वाली एक ग्रुप पोस्ट अप्रूव चेक, मतलब ये कि यहाँ पर लोगों को बताती है कि हर एक ग्रुप के अंदर जो पोस्ट करना है पब्लिक है या फिर वो प्राइवेट है, मतलब ये अप्रूवल उसका एडमिन के थ्रू ही होगा या तो फिर हर एक बंदा अपनी पोस्ट करके उसी वक्त उसको अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है। ये वाला एक्सटेंशन आपको ये चीज बताएगी। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट वाली है यहाँ पर से ग्रुप आईडी एक्सट्रैक्टर वगैरह, ठीक है। ये आप लोगों को ग्रुप्स की आईडी निकाल कर देगी, जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पर से इस एक्सटेंशन की मदद से चेकआउट करेंगे कि क्या ये वाली एक्सटेंशन, ये वाले जो ग्रुप्स है वो ऑटो अप्रूवल वाले हैं या तो फिर नहीं है, ठीक है। इन एक्सटेंशन को यूज करके आप लोग यहाँ पर से अच्छी खासी यहाँ पर से जो शेयरिंग है वो आप लोग यहाँ पर से ले सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर ये चीज़ बताऊँ कि मैंने यहाँ पर इन वेबसाइट को यूज़ किया, इन एक्सटेंशन को यूज़ किया तो या नहीं, तो भैया उसका जवाब है नहीं।
नहीं, मैंने अभी तक इन एक्सटेंशन को यूज़ नहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो लोग फेसबुक की शेयरिंग देते हैं वो इन एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं फेसबुक की शेयरिंग के लिए, ठीक है। अभी फिर वक्त हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, यहाँ पर जाके जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग को यहाँ पर एक चीज़ दिखाऊँ, मैं यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर आप लोग चेक कीजिए कि यहाँ पर आप लोग चेकआउट कीजिए कि मैंने यहाँ पर अपना एक मैंने यहाँ पर अपनी एक यूट्यूब वीडियो का लिंक डाला हुआ, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर अपना डायरेक्ट लिंक लगाना है। अगर आप नहीं भी लगाना चाहते तो अभी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब बात आती है मेन ट्रिक की, जो कि आप लोगों को ट्रिक समझाने वाली है, ठीक है। वो यहाँ पर से ये है कि अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर अपना एक फेसबुक का एक लिंक दिया, ठीक है, site.google.com का एक मैंने पठान मूवी का यहाँ पर लिंक दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ पर से, ठीक है। उसके बाद पेज को मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाता हूँ एक चीज़, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं जैसे ही इस लिंक को यहाँ पर पेस्ट करूँगा ना, तो इसका ऑटोमेटिकली एक लिंक बन जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि फेसबुक जो है वो ऑटोमेटिकली आपके जो लिंक को प्रमोट नहीं करता है, ठीक है। अगर आप लोग अपनी वेबसाइट का यहाँ पर लिंक डालेंगे तो देन उसकी जो डोमेन की जो एज है वो बहुत ही कम होगी, तो आप लोगों की पोस्ट को ज़्यादा शेयर वगैरह नहीं मिलेंगे, ज़्यादा आपकी जो पोस्ट वगैरह वो वायरल नहीं होगी, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, मैंने जैसे ही यहाँ पर इसको यानी कि यूआरएल डाला ना, तो पठान का जैसे मैं ई डालता हूँ यहाँ पर, आप लोग चेक कीजिए, ठीक है। ये चीज़ इसका जो पठान का ये वाला इस तरीके से एक इंटरफेस बन गया, जो कि बहुत ही प्यारा है और यहाँ पर से गुड लुकिंग भी है। और उसके बाद जैसे कोई बंदा पठान मूवी देखना चाहेगा तो वो इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो वो हमारी साइट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि अगर हमारा जो यूआरएल ऊपर रह गया तो देन होगा क्या कि हमारा जो पोस्ट को जो ज़्यादा यानी कि एंगेजमेंट है ना, जो ज़्यादा रीच है वो नहीं मिलेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे यहाँ पर इसको ख़त्म करने का चाहता हूँ ना, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर इसकी जो पिक्चर है वो भी ख़त्म होगी, ठीक है, जो कि बहुत ही गलत बात है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार इस पोस्ट की जो पिक्चर है वो भी ख़त्म ना हो और इसकी जो रीच है वो भी उसको पूरी की पूरी ही मिले, ठीक है। उसके लिए आप लोगों ने क्या काम करना, उसके लिए भाई आप लोगों ने काम ये करना है कि आप लोगों ने छोटी सी ट्रिक लगानी है। वो ट्रिक क्या लगानी है, लेकिन उससे पहले हम लोग जो कैश ऐप का एक पेज क्रिएट करने वाले थे वो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ब्लैंक के बटन पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर से मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर दिया कैश ऐप रिवार्ड के नेम से, ठीक है। कैश ऐप 750, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपने वैसे वैसा ही करना है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर से आप लोगों ने इसको टाइप कर देना जी रिवार्ड, ठीक होगी। और उसके बाद कंट्रोल ए करना है और इसको यहाँ पर से बोल्ड कर देना है। बोल्ड करने के बाद आप लोगों ने कुछ इस तरीके से इसको एक ही पेज के ऊपर डबल लाइन के ऊपर ले आइएगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग इसी पे इसको कंट्रोल सी से कॉपी करना, यहाँ पर भी आप लोगों ने इसको लाजमी डालना, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर से आप लोगों ने इसके नीचे पिक्चर लगानी है, इमेज के अंदर जाना, आप लोड बटन पर क्लिक करना है और इस पिक्चर को आप लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये वाली पिक्चर यहाँ पर आ गई है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर याद रखिएगा, ये वाली पिक्चर जब आप लोग यहाँ पर से इसको सेव करेंगे ना, तो ये वेब पी के अंदर होगी। तो आपने इस वेबसाइट को यूज करके आप लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लेना पीएनजी के अंदर, ठीक है। पीएनजी के अंदर मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है इसको, तो मैं इसको यहाँ पर सेंटर के अंदर ले आता हूँ। और उसके बाद इसके पीछे मैंने यहाँ पर से लिंक लगाना, याद रखिए यहाँ पर आप लोगों ने जो लिंक लगाना है आप लोगों ने अपना डायरेक्ट लिंक ही लगाना है, ठीक है। एक यहाँ पर आप लोगों ने डायरेक्ट लिंक लगाना है और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने एक बटन क्रिएट करना है क्लेम नाउ के नेम से, ठीक है। तो वो बटन किस तरीके से क्लेम करना है, आप लोगों ने यहाँ पर से क्लिक माइंडेड बटन क्रिएटर इसके ऊपर आप लोगों यहाँ पर सर्च करना है और इस वेबसाइट के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पर आ जाना है और देन आप लोगों ने यहाँ पर से क्लेम नाउ ये एक बटन क्रिएट करना है आप लोगों ने, ठीक है। उस बटन को आप लोगों ने लगाना कहाँ पर, उसके पीछे आप लोगों ने कौन सा बटन लगाना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने टाइप करना जी क्लेम नाउ, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर से इसको बटन को भी यहाँ पर से आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर से आप लोगों ने इसको डाउनलोड के बटन पर क्लिक किया, इसको डाउनलोड कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर से इसके नीचे आ गई है अपलोड इमेज के बटन पर क्लिक किया, अपलोड बटन के बटन पर क्लिक किया और क्लेम नाउ वाला जो बटन है उसको आप लोगों ने यहाँ पर सेंटर के अंदर जाकर छोड़ दिया, ठीक है। अब इसके पीछे भी आप लोगों ने वही वाला अपना जो डायरेक्ट लिंक होगा वो आप लोगों ने लगाना। लेट्स सपोज के आप लोगों को यहाँ पर से जो डायरेक्ट लिंक है वो उसका जो यूआरएल है वो यहाँ पर ये वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, इसको नीचे लेकर आना है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला हम लोग लगा रहे थे और यहाँ पर क्लिक करना और इसको बटन पर यहाँ पर लगा देना। उसके बाद इस पिक्चर के पीछे भी आप लोगों ने ये वाला जो बटन है वो लगा देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लगाने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट जो काम करना है वो यहाँ पर से ये करना है, इसके पीछे जो है ना वो डॉलर वाला वाला, ठीक है, इस तरीके की पिक्चर लगा देनी है। वो किस तरीके से लगानी, चेंज इमेज के बटन पर क्लिक करना, सेलेक्ट के बटन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक करना, यहाँ पर आप लोगों टाइप कर देना जी मनी, ठीक है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर इंटर के बटन पर क्लिक कर देना, तो जो भी यहाँ पर से जो डॉलर वाली इमेजेस वगैरह आ जाए उसको आप लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। लाइक मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद सेलेक्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर चेक कीजिए कि हमारी ये वाली पिक्चर यहाँ पर से लग गई है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर इसकी चेंज विजिबिलिटी वगैरह इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर से इसकी जो साइज वगैरह यानी कि कलर वगैरह वो आप लोग यहाँ पर चेंज करना चाहते तो वो आप लोग यहाँ पर से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ ताकि मेरा यहाँ पर जो टेक्स्ट वगैरह वो यहाँ पर से शो हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसको सिंपली पब्लिश कर देना। पब्लिश करने के बाद आप लोगों ने एक काम करना है, वो ये करना है कि इसके अंदर भी आप लोगों ने जो आपका जो
फ्री रिवार्ड वाला जो नेम होगा वो आप लोग ने यहाँ पर से लगाना है लास्ट में, ठीक है ना। तो वो आप लोग ने यहाँ पर से लगाना है ठीक, इस तरीके से कैश ऐप रिवार्ड्स, उसके बाद आप लोग यहाँ पर टाइप कर देना फ्री, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर टाइप करना, उसके बाद पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देना। ये पब्लिश के बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने इसको व्यू के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का जो पेज वगैरह यहाँ पर से शो होगा, ठीक है। जैसे कोई बंदा भी आएगा वो क्लेम नो के बटन पर क्लिक करेगा तो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ट्रैफिक उसके ऊपर लेकर किस तरीके से आनी वो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर इस लिंक को यहाँ पर से कॉपी कीजिएगा। मेन ट्रिक यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट हो जाती है भाई, वो यहाँ पर से ये है। जैसे मैं यहाँ पर इस पेज को एक बार रिफ्रेश करता हूँ, इसको मैं रीलोड कर बटन पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि जैसे ही मैं इस पोस्ट को यहाँ पर पेस्ट करूंगा यहाँ पर अपना यूआरएल, तो आप लोगों का यहाँ पर से भी वही वाला सीन बन जाएगा जो कि वहां पर बना हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग चेक कीजिए। हाँ यार, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना भूल गया, वो यहाँ पर ये है कि हम लोगों ने यहाँ पर से इसका जो लिंक है उसको ख़त्म भी नहीं किया, उसके बावजूद हमारी जो पोस्ट के अंदर जो इमेज हमने लगाई थी वो यहाँ पर नहीं आ रही है, ठीक है। उसका आप लोगों ने यहाँ पर से काम ये करना कि इसका जो साइज का बहुत ज़्यादा इशू बनता है, ठीक है। वो साइज क्या है, आप लोगों ने यहाँ पर कैनवा के अंदर आना, ठीक है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ करके रखा हुआ होगा तो आप लोगों को यहाँ पर से बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर से क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे बटन पर क्लिक करना, यहाँ पर क्रिएट अ डिज़ाइन इस पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाना, यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन बनेगा कस्टम साइज का, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने कस्टम साइज जो सेलेक्ट करना है वो आप लोगों ने 1200x630 वाला आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट करना, ठीक है। यहाँ से मैं आप लोग ये देख सकते हैं रिसेंटली मैं यूज़ किया हुआ है, इसको आप लोग यहाँ पर से चूज करना है। और वही वाली जो पिक्चर होगी जो कि आप लोगों ने डाउनलोड की होगी उसी पिक्चर को आप लोगों ने यहाँ पर जाकर छोड़ देना है, ठीक। तो यहाँ पर मैं अपलोड के बटन पर क्लिक कर देता हूँ, अपलोड फाइल्स के बटन पर क्लिक करता हूँ और उस पिक्चर को मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, ठीक है। ये वाली पिक्चर हमारी यहाँ पर आ गई है और इसके साथ साथ हम जहाँ पर थोड़ा सा और भी इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा और शशके वगैरह लगा सकते हैं। पर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और भी इसको थोड़ा पेज को थोड़ा सा एडिट करेंगे, लाइक इसके अंदर GIF इमेज वगैरह ऐड करेंगे ताकि हमारा जो पेज है थोड़ा सा और भी इफेक्टिव बन लगे और हमारे जो क्लिक्स है हमारे जो लिंक के ऊपर वो ज़्यादा हमें यहाँ पर से मिल जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर से ये चीज़ आ गई है और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा इस तरीके से ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से एक इमेज लगाएंगे, ठीक है ना। वो इमेज क्या होगी, एलिमेंट्स के अंदर जाना है, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आप लोग यहाँ पर एरो के बटन पर क्लिक कर देना और यहाँ पर से हम लोग GIF जो एरो वगैरह होंगे उसको हम लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ग्राफिक्स के अंदर जाना आप लोगों ने यहाँ पर से, और उसके बाद यहाँ पर से जो भी GIF इमेजेस वाला यानी कि एरो वगैरह होंगे उसको हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। लाइक जैसे कि यहाँ पर ये वाला, ठीक है, इसको यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ पर से हम लोग भाई जान थोड़ा सा जो है वो रोटेट कर देंगे यहाँ पर से, ठीक है। यहाँ पर आ जाना आप और यहाँ पर से हम लोग इसको थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट वगैरह कर देंगे, ठीक है। और इसी का मैं एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पर से इस तरीके से यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से ये आप लोग चेक कीजिए और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर सिंपली शेयर के बटन पे क्लिक कर देना और उसके बाद डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देना। यहाँ पर ये इमेज बन गई है जो ये MP4 के अंदर, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर GIF के लेनी सेलेक्ट करनी है और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर डाउनलोड के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों की इमेज वगैरह डाउनलोड हो जाएगी और अब हम इस पिक्चर को यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर आप हमारी जो पिक्चर शो ना होने की जो मेन रीज़न थी वो परफेक्ट साइज के अंदर हमारे पिक्चर का ना होना, ठीक है, ये हमारा एक इशू था। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर से इस पिक्चर को यहाँ पर से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और इसकी जगह पर जो अभी हम लोगों ने पिक्चर को डाउनलोड किया, यहाँ पर जो हमारी पिक्चर डाउनलोड हो रही है इसको हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। तो जी यहाँ पर हमारी पिक्चर जो है यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। अब हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर जाने का इमेज के बटन पे क्लिक किया, अपलोड के बटन पे क्लिक किया और अब हम लोग यहाँ पर से ये वाला अनटाइटल वाली जो इमेज है उसको यहाँ पर से हम लोग इस तरीके से बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसको फुल स्क्रीन किया गया यहाँ पर से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का ये वाला पेज हो गया रेडी। यहाँ पर आप लोगों ने अपना जो डायरेक्ट लिंक है उसको यहाँ पर से कॉपी किया। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर इसका लिंक ले रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों के साथ या किसी भी बंदे के साथ मैं अपना डायरेक्ट लिंक शेयर नहीं करना चाहता हूँ तो इसलिए यहाँ पर मैं इसका ले रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी आप लोगों ने यहाँ पर से इसको बाय URL तो यहाँ पर से मैं इसको क्लिक किया और इसके बटन पे क्लिक किया, यहाँ पर से उस पे इसको करके अप्लाई के बटन पे क्लिक कर दिया, ठीक हो गया। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर से क्लेम नाउ के बटन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्लेम नाउ भी लगा दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग अगेन पब्लिश के बटन पर क्लिक करते हैं और गॉट इट के बटन पर क्लिक कर दे और उसके बाद पब्लिश के बटन पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा जो पेज है वो यहाँ पर पब्लिश हो गया। अब हम लोग अपना जो URL है ये वाला URL इसको यहाँ पर से कॉपी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद हम लोगों ने इस URL को पेस्ट करना है ये अपने यहाँ पर, ठीक है। तो मैं पेज को एक बार रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको रीलोड कर देता हूँ और ताकि मैं आप लोगों को अगेन यहाँ पर दिखा सकूँ। और उसके बाद यहाँ पर ले जाने के बाद इस बटन पे क्लिक किया, यहाँ पर से मैं अपने पोस्ट का यहाँ पर से लिंक डाल रहा हूँ और आप लोग यहाँ पर देखिएगा अब हमारा जो इमेज वगैरह वो भी यहाँ पर हमारी शो करेगी, ठीक है ना।
क्यों हमारी यहाँ पर इमेज जो है यहाँ पर शो करेगी, क्योंकि अब हम लोगों ने परफेक्ट साइज के अंदर जो पिक्चर है वह यहाँ पर लगाई है। यहाँ पर आप लोग चेक कीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर से हमारा एरो वगैरह भी यहाँ पर आ गई है और सारा कुछ हमारा बहुत ही परफेक्ट यहाँ पर बना हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं अगर मैं होम के बटन को ई भी यहाँ पर से कट करता हूँ ना, तो यहाँ पर आप देखिए फिर से वही वाला हिसाब बन गया जो कि हमारा पहले बन रहा था। तो इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर बिटले की वेबसाइट के ऊपर जाना, ठीक है, क्योंकि यार ये इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग यहाँ पर से इसका बिटले का साइज इसको यूज़ नहीं करोगे तो देन आप लोगों का वही वाला इशू बनेगा कि आप लोगों की पिक्चर शो नहीं करेगी, ठीक है। शॉर्टनर के बटन पर क्लिक कर देता हूँ, कॉपी के बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर से क्या करना है कि यहाँ पर जाना आप लोगों ने अगेन अपनी उसी पेज के ऊपर, और वहाँ पर जाने के बाद इसको मैं यहाँ पर से कंट्रोल ए से कट कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल वी से मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इसका लिंक वगैरह, ठीक है। अभी जैसे मैं इसका लिंक वगैरह यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो आप लोग देखिएगा हमारी पिक्चर तो यहाँ पर शो कर जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इसका जो यूआरएल वगैरह है वो यहाँ पर से मैं इसको ऐसे लेकर यहाँ पर जाने के बाद इसका जो कॉलन वगैरह है उसके आगे मैं स्पेस यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा कि हमारी यहाँ पर से जो पोस्ट का जो पिक्चर वगैरह वो अभी तक यहाँ पर खड़ी हुई है, ठीक है। क्योंकि मेन ट्रिक यहाँ पर यही चीज़ है कि आपकी पिक्चर यहाँ पर शो होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी पिक्चर शो नहीं होगी तो क्लिक्स ही नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर से मैं क्या करता हूँ, अब इसको सारा का सारा मैं यहाँ पर से डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर से मैं कुछ हैश टैग देऊँगा, ठीक है, लाइक हैश वायरल पोस्ट, ठीक है, उसके बाद हैश कैश ऐप, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर से आप लोग देखिएगा नीचे आ जाएगा कैश ऐप, ठीक है, और उसके बाद हैश टैग कैश ऐप रिवॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर से कैश ऐप रेडी, ठीक है, ये कर दिया। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर पोस्ट के बटन पे क्लिक करना। अब मेन कहानी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है आपकी शेयरिंग वाली जो कहानी है, अब आप लोग की यहाँ पर स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग चेकआउट कीजिए कि हमारा ऊपर यूआरएल नहीं है लेकिन हमारा जो पोस्ट है वो यूआरएल के तौर पर शो कर रही है। अगर आप लोग लेट्स सपोज यहाँ पर आप लोग ये कहते हैं कि हम लोग site.google.com की वेबसाइट को यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग अपनी वेबसाइट को यूज़ करेंगे .com की, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल telefunda.com मेरी वेबसाइट है, उसका अगर मैं यहाँ पर लिंक यूज़ करता हूँ तो देन क्या होगा। अगर यहाँ पर आप लोग चेक कीजिए कि इस डोमेन की यहाँ पर से जो अथॉरिटी है वो देखिए कितनी ज़्यादा है, ठीक है, ये कि तो वेरीफाइड है गूगल की तरफ से और उसके मोर देन 10 ईयर हो गई है इस वेबसाइट को यहाँ पर से रजिस्टर हुए हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से हमारी पोस्ट के ऊपर जहाँ पर जो रीच है वो बहुत ज़्यादा हमें मिलेगी, ठीक है। और उसके ऊपर हम बाकी की जो कसर है वो हम लोग शेयरिंग करके पूरी कर देंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों का यहाँ पर से पोस्ट इस तरीके से शो करेगी, ठीक है, जिस बंदे के सामने भी जाएगी। अब वो क्या करेगा, जैसे भी यहाँ पर से उसकी पोस्ट उसके सामने जाएगी, ठीक है, वो इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा। जैसे उस बटन पर वो क्लिक करेगा तो उसके पास एक इफेक्टिव सा पेज यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है, जिसके जरिए हमने क्लेम नो की तरफ से इशारा किया हुआ। जैसे ही वो इस बटन पर क्लिक करेगा तो वो हमारे डायरेक्ट लिंक के ऊपर चला जाएगा, वहाँ पर हम लोगों को डायरेक्ट लिंक मिलेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि आप लोगों ने शेयरिंग किन ग्रुप्स के अंदर करनी है, तो जाहिर सी बात है कि भाई जान आप लोगों का जिस तरह का कंटेंट होगा उसी तरीके के ग्रुप्स के अंदर आप लोगों ने यहाँ पर से करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर से कैश ऐप, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और एंटर के बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ और इसी के रिलेटेड यहाँ पर जो ग्रुप्स वगैरह उसको यहाँ पर मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 पोस्ट डेली इसके अंदर हो रही है, ठीक है, यहाँ पर 3100 मेंबर इसके अंदर, 7000 मेंबर इसके अंदर, ठीक है, 1500 मेंबर इसके अंदर, ठीक है, और 7000 मेंबर इसके अंदर, ठीक है, इसी तरीके 23000 मेंबर। इन ग्रुप्स को आप लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन कर लेना और सारे के सारे पब्लिक वाले करने हैं आप लोगों ने, याद रखिए कि सारे से पब्लिक वाले करने हैं। और इन सब के अंदर जो ऑडियंस होगी भाई जान सारी की सारी जो होगी वो होगी भाई जान यूनाइटेड स्टेट में से, ठीक है, क्योंकि कैश ऐप जो चलती है वो यूनाइटेड स्टेट पर से चलती है, ठीक है। यहाँ पर एक क्लिक के ऊपर यहाँ पर पब्लिक ग्रुप था तो यहाँ पर ये ज्वाइन हो गया, ठीक है, यू ज्वाइन कैश ऐप, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर से इस पोस्ट के ऊपर जाकर यहाँ पर इसको शेयरिंग देना शुरू कर देनी है, ठीक है। आप लोग अपने ओरिजिनल आईडी से ना दीजिएगा तो फिर आप लोग इतना ज्यादा बूस्ट नहीं मिलेगा, आप लोग अलग आईडी से लिंक दीजिएगा इसके ऊपर शेयरिंग वगैरह। शेयरिंग का सेटअप वगैरह यार आप लोग यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोगों के वीडियो मिल जाएंगे किस तरीके से आप लोग वो लोग अपनी वीडियो को शेयर कर दे, लेकिन आप लोग अपनी पोस्ट को शेयर करना है, ठीक है, मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर। आप लोगों को 3 मोर टॉपिक्स वगैरह बता देता हूँ, यहाँ पर से एक मूवीज वगैरह होगी इसके ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं, इस तरीके से कैश ऐप के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके बहुत सारे ऐसे टॉपिक वगैरह आप लोग खुद भी ढूंढ सकते हैं जो कि फेसबुक के ऊपर बहुत ज्यादा जैसे WWE हो गया, ठीक है, इसके ऊपर आप लोग यहाँ पर से काम कर सकते हैं। जो मेन चीज है यहाँ पर ये कि आप लोगों ने अपना लैंडिंग पेज लाजमी क्रिएट करना है, ठीक है। लैंडिंग पेज को क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर से इसको बिटले का लाजमी करना, अदरवाइज आप लोगों का जो लिंक है वो भी ऊपर शो करेगा और आप लोगों को क्लिक्स वगैरह भी नहीं मिलेगा इसके ऊपर। तो अब इस सारी वीडियो में अगर आप लोगों को समय समराइज कर दूँ तो यहाँ पर ये होगा, सबसे पहले आप लोगों ने फेसबुक की आईडी क्रिएट करनी है। फेसबुक की आईडी क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने वहाँ पर पेज क्रिएट करना है अपने नीड्स के मुताबिक, लाइक अगर आप लोग कैश ऐप के ऊपर काम करना चाहते हैं तो कैश ऐप का क्रिएट कर लेना है, अगर आप मूवीज के ऊपर काम करना चाहते हैं मूवीज का ऊपर आप लोगों ने कर लेना, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप लोग WWE करना चाहते हैं तो आप लोगों को WWE की कर
कर देना ठीक। और उसके बाद आप लोगों ने इसका लैंडिंग पेज क्रिएट कर लेना भाई जान अपने site.google.com के ऊपर आकर, और उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर अपना लिंक वगैरह लगाने हैं। लिंक वगैरह लगाने के बाद आप लोगों ने बिटली के ऊपर जाना, बिटले के ऊपर जाने के बाद आप लोगों ने इसी पोस्ट को आप लोगों ने अपने पेज के ऊपर शेयर कर देना है। या तरीके शेयर करने के बाद आप लोगों ने अपना जो लिंक है उसको लाजमी रिमूव करना है, ठीक है ना। तो आई होप सो आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी किस तरीके से सारी चीज़ फर्क करती है। तो अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़, पीस आउट, स्टे एट।